तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग वीडियो। गाइस आज हम आ चुके हैं गेट ऑफ इंडिया और कुछ ऐसी जानकारी जो आपको पता नहीं वो आपके साथ शेयर करेंगे हम। वीडियो के साथ बनी रहे गाइस, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना। अगर आप लोग हमारे चैनल में पहली बार आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना गाइस, क्योंकि मैं चैनल पर इसी तरह वीडियो लेके आते रहे। तो गाइस ये आप लोग देख सकते हो किस तरह मुंबई के अंदर जो है लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं 15 अगस्त, और कोई अपने गाड़ी में वगैरह घूम रहे, तो कोई पैदल निकले हैं अपने घरों से। और ये आप लोग जो पीछे साइड देख रहे हो ये है ताज होटल, जो मुंबई का सबसे बड़ा होटल है और पॉपुलर होटल है। बिल्कुल ये गेट ऑफ इंडिया के बाजू में है और काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए वगैरह, सेल्फी वगैरह खींचने के लिए। आज यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक जाम है एकदम, लोग जो है गाइस अपने अपने घरों से बाहर निकल चुके हैं सेलिब्रेट करने के लिए 15 अगस्त। तो देख सकते हैं बहुत सी पब्लिक यहाँ पे आ चुकी है। ये आप लोग जितने भी ग्रीन टोपी वाले लोग देख रहे हो गाइस, ये सब कुली लोग हैं जो समुंदर के अंदर मछली वगैरह पकड़ते हैं। इसी ताज होटल के पास में ही रहते हैं ये लोग। इस ताज होटल के पास में आज़ाद नगरी बोल के एक बस्ती है, उसी बस्ती के अंदर ये लोग रहते हैं और बहुत ही अच्छे लोग हैं ये। सभी धर्म के वहाँ पे लोग रहते हैं और सब मिलजुल के लोग रहते हैं ये। इस जगह पे इतना भीड़ इकट्ठा होने का कारण यही है गाइस, यहाँ पे ताज होटल है जो सबसे बड़ा पॉपुलर होटल है बॉम्बे का, और जस्ट इसके बाजू में गेट ऑफ इंडिया है और ये सब कुलाबा के अंदर पड़ता है। और देख सकते हैं किस तरह से लोग जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये है ताज होटल का मेन गेट जो अंदर एंट्री करते हैं, सभी लोग यहीं से एंट्री करते हैं। और देख सकते हैं कितना खूबसूरत है गाइस, हमारी भी ख्वाहिश है कि हम भी एक दिन इस ताज होटल के अंदर जाए और वीडियो वगैरह बनाए। तो शायद वो दिन एक ना एक दिन आएगा, आप लोग ऐसे ही हमें सपोर्ट करती रहिए गाइस। इस ताज होटल के अंदर ज़्यादा करके विदेशी लोग आते हैं, बाहर कंट्री वाले, क्योंकि आम आदमी तो अंदर जा नहीं सकता क्योंकि अंदर इतनी महंगाई है गाइस कि। तो गाइस आप लोग यहां से ताज होटल को देख सकते हो, काफ़ी प्यारा लुक है और यहां पे खड़े रह के फ़ोटो खींचने का मज़ा ही कुछ अलग है गाइस। ये आप लोग देख सकते हो गाइस, विदेशी जो है हमारे देश का तिरंगा हाथ में पकड़ के वो लोग भी 15 अगस्त का सेलिब्रेट कर रहे हैं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है गाइस। और ठीक आज से 75 साल पहले गाइस, जब अंग्रेज हमारा देश छोड़ के भागे थे, तो वो लोग ने कहा था कि आप देश को नहीं संभाल पाएंगे। तो आज के डेट में जो है हमारा इंडिया जो है गाइस काफ़ी आगे निकल चुका है और काफ़ी तरक्की कर लिया हमारे देश ने। और आज गाइस मैं इंडिया के सोल्जर्स को दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि वो लोग अपना परिवार छोड़ के हमारे लिए बॉर्डर पर दिन रात लड़ते हैं, तभी जाके हम जो है अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं गाइस। इस जगह पे रात के 12 बजे बहुत भीड़ थी और मैं यहाँ पे 12 बजे आ चुका था, और उसका जो मैं वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर चुका, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाके वीडियो देख लीजिए गाइस। अभी भी यहाँ पे बहुत सी पब्लिक आ चुकी है सेलिब्रिटी करने के लिए। ये आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे जो कूली लोग हैं, जो मछुआरे लोग हैं, बोट समंदर में मछली वगैरह पकड़ते हैं, वही लोग यहाँ पे सब आ चुके हैं और ये जाएंगे सीधा रीगल तक। गाइस ये जो आप लोग ऊँचे टावर देख रहे हो ये है न्यू ताज होटल जो कुलाबा में पड़ता है, और जो पुराना ताज होटल जस्ट इसके बाजू में है वो भी हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना गाइस, वीडियो के साथ बने रहिए। और जैसे ही आप लोग गेट ऑफ इंडिया के अंदर एंट्री करते हो तो आप लोगों को यहाँ पे अपना बैग वगैरह जो है यहाँ पे स्कैन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह है और 15 अगस्त का दिन होने से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सिक्योरिटी है। और हमारे देश के जो पुलिस वाले हैं यहाँ पे काफ़ी तैनात है जगह जगह पे, ये आप लोग देख सकते हैं। ऐसा बैग डालने के बाद हम जाएंगे आगे और यहाँ से अपना बैग ले लेंगे और यहाँ से सीधा हम एंटर करेंगे गेट ऑफ इंडिया के अंदर। ये आप लोग देख सकते हैं गाइस कुछ इस तरह गेट ऑफ इंडिया है, और ये ताज होटल है उसके बाजू में। बहुत सी यहाँ पे भीड़ हो चुकी है आज, क्योंकि आज है 15 अगस्त, इसके कारण जो है काफ़ी लोगों की आज छुट्टी है मुंबई के अंदर, इसलिए जो लोग जो है अपने घरों से निकल चुके हैं घूमने के लिए बाहर। गाइस ये रहा गेट ऑफ इंडिया, हमारी मुंबई की जान है, आप लोग देख सकते हैं हम ची मुंबई, और बॉम्बे के सबसे बड़ी पॉपुलर जगह है, बहुत दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं। गाइस इस गेट ऑफ इंडिया को बनाने के लिए टोटल 11 साल लगे थे, 31 मार्च 1913 में इसको बनाने के लिए स्टार्ट किया था,
और इसका जो निर्माण हुआ था वो 1924 में पूरा बना के रेडी किया गया था, और उस टाइम पे जो है 21 लाख इसका खर्चा आया था बनाने के लिए। ये आप लोग देख सकते हैं अंदर से कुछ इस तरह है, और कई साल पूरे होने के बाद भी ये आज एकदम मस्त है, एकदम फर्स्ट क्लास है। गेट ऑफ इंडिया कुछ इस तरह का लोकेशन है, और देख सकते जस्ट इसके बाजू में जो है गाइस समंदर है, जो काफ़ी लोग यहाँ पे दूर दूर से आते हैं। और ये रहा गाइस पुराना ताज होटल, और टोटल 565 इस ताज होटल के अंदर कमरे है। और गाइस 13 दिसंबर 1903 में इसको बनाया गया था, और आज लगभग इसे बना के 116 साल पूरे हो चुके हैं। और ये आप लोग देख सकते हैं गाइस किस तरह जो है समंदर के अंदर पूरा पानी भर चुका है, और पानी भरने के कारण जो है आसपास जो इसके समंदर के पूरी जाली वगैरह लगाई गई है ताकि पानी के अंदर कोई जाए ना। और यहाँ हो रही है काफ़ी तेज बरसात, और गाइस बरसात के अंदर इस जगह पे घूमने का मज़ा ही कुछ अलग है। ये आप लोग देख सकते हैं कितनी सारी भीड़ यहाँ पे इकट्ठा हो चुकी है। और गाइस आप लोग इस जगह से जा सकते हो एलिफेंटा बोट से घूमने के लिए। समंदर के अंदर तूफान होने के कारण काफ़ी छोटे छोटे जो बोट होते हैं कम कर दिए गए हैं, अभी खाली बड़े बड़े जो बोट होते हैं वही पानी के अंदर बोट है, और बड़ी बोट जो है गाइस यहाँ पे बहुत कम है। और देख सकते हैं एलिफेंटा जाने के लिए कई सारी यहाँ पे लाइन लग चुकी है पब्लिक की, और पानी के अंदर समंदर के अंदर बहुत कम बोट है फिलहाल। देख सकते हैं आप लोग गाइस समुंदर भरने के कारण यहाँ पे पूरी चारों तरफ जाली लगाई गई है, और अंदर आना किसी को अलाव नहीं है, मगर मैं सुमड़ी से अंदर निकल चुका हूँ। मुंबई के अंदर सुमड़ी में बोलते हैं जो जाली वगैरह उठा के अंदर घुस जाते हैं, उसी तरह से जो मैं अंदर घुस चुका हूँ। और ये आप लोग देख सकते हैं किस तरह पानी जो है समुंदर का ऊपर की तरफ आ रहा है, और काफ़ी बोट जो है यहाँ से कम कर दी गई है, छोटी छोटी जो बोट होती है। यह आप लोग देख सकते हैं गाइस किस तरह जाली लगाई गई है, मगर तुम्हारा भाई जो है किसी तरह जाली के नीचे से घुस गया अंदर। ये आप लोग देख सकते हो गाइस स्वामी विवेकानंद जी का टैटू, और जस्ट इसके सामने और एक टैटू है छत्रपति शिवाजी महाराज का, वो भी हम आपको दिखाएंगे, तो वीडियो के साथ बनी रहे गाइस। और ये आप लोग देख सकते हो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, इन्होंने कई जंगे लड़े, कई किले फतेह किए, तो ये आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह का गार्डन है, और गार्डन के अंदर किसी को अलाव नहीं जाने के लिए, ये सब चारों तरफ से जाली वगैरह इसको लगाया गया है। आज भी छत्रपति महाराज जो है गाइस लाखों करोड़ों मराठाओं के दिलों पे राज करते हैं, और छत्रपति शिवाजी महाराज का जो टैटू है गाइस मुंबई के अंदर जगह जगह पे बनाया गया है, और इनका मेन किला जो है गाइस रायगढ़ में है जो महाराष्ट्र के अंदर ही पड़ता है, उसी किले के अंदर से छत्रपति शिवाजी महाराज पूरे महाराष्ट्र के ऊपर हुकूमत करते थे। आज 15 अगस्त होने के कारण देश के कोने कोने से लोग यहाँ पे आ चुके हैं 15 अगस्त सेलिब्रिटी करने के लिए। ये आप लोग देख सकते हैं गाइस बरसात के वजह से जो है पूरा समुंदर पानी से भर चुका है, और समुंदर में तूफान होने के कारण बहुत सी ऐसी छोटी छोटी जो बोट आती है वो पानी से बाहर निकाल दी गई है, और पानी के अंदर फिलहाल अभी बड़ी बड़ी जो बोट रहती है वही बोट अवेलेबल है। ये हम आपको दिखा रहे हैं गाइस मुंबई का समंदर, और यहाँ से सीधा आप जाएंगे तो 5 मिनट का रास्ता है, वहाँ पे मैं रहता हूँ और गेटा बिंडे के पास ही मैं रहता हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं समंदर पूरा बरसात की वजह से भर चुका है, और आज है 15 अगस्त, मगर वीडियो जो है गाइस ये 16 अगस्त के दिन आएगा यूट्यूब पर, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो अपलोड कर चुका अपने चैनल पर। अगर आप लोग मुंबई फर्स्ट टाइम आ रहे हो, आपको कुछ मुंबई का पता नहीं है, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा। और आपको सस्ते में टूर चाहिए मुंबई के अंदर तो भी आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, सस्ते में होटल वगैरह चाहिए तो आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओनली 150 रुपये में मुंबई के अंदर आपको आधा मुंबई घुमाया जाएगा, के अंदर आप लोगों को BST की बस मिलेंगी ओपन डोर वाली ओनली 150 में, आपको नरीमन पॉइंट, गेट ऑफ इंडिया, जूहू चौपाटी, ताज होटल वगैरह, उसके बाद में चर्च स्टेशन, VT स्टेशन, आपको सब तरफ घुमाया जाएगा। तो गाइस अगर आप लोग कोई क्वेश्चन रहेगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर अपना दे दूंगा। तो चलिए गाइस अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं इस चैनल पर इसी तरह वीडियो लेके आते रहता हूँ। तो चलिए गाइस मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।